हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, अभी बज रहा है रात के 12:15 और अभी इतने लेट ब्लॉग क्यों स्टार्ट कर रही हूँ आपको पता ही है क्या है। ये इन लोगों की भागदौड़ चल रही है, आप देख सकते हो। ये लोग पता नहीं ऊपर क्या कर रहे हैं यार, मतलब डेकोरेशन कर रहे हैं ऊपर, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे आने भी नहीं दे रहे। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर नीचे हूँ और वेट कर रही हूँ अभी इनके बुलाने का। तो मैं सोच रही हूँ कि जाके देखूँ, बट ये कोई भी मुझे आने नहीं दे रहे ऊपर, तो इसीलिए यहाँ पर बैठी थी ऐसी। तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, तब तक आपको भी बता देती हूँ कि क्या चल रहा है इन लोगों का। और बिल्कुल आने नहीं दे रहे, मैं थोड़ा सा सीढ़ियों पे गई तो बोल रहे नीचे जाओ नीचे जाओ, तो डेकोरेशन कर रहे लगता है ये, और यही चल रहा है इनका। तो जब भी मैं ऊपर जाऊँगी तो आपको दिखाई दूँगी कि क्या चल रहा है। और मुझे आने देते तो मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर देती इन्हें, तो मुझे आने नहीं दे रहे तो मैं नीचे बैठी हूँ। और ये सब लोग ऊपर जो है वो डेकोरेशन कर रहे हैं, पता नहीं अभी कैसे किया होगा क्या है, तो मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और हाँ, अभी केक कट करने वाला है रात को 12 बजे, तो देखते हैं। सरप्राइज तो होता नहीं है घर पे, सरप्राइज तो मिल नहीं सकता है क्योंकि घर पे ही होती हूँ मैं, तो इसी वजह से सरप्राइज तो कोई होगा नहीं। बट जो भी है मुझे पता चल गया है क्या कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, वहाँ पर जाके देखूंगी अभी कि कैसा डेकोरेशन वगैरह किया है, क्या किया है। वो तो सरप्राइज ही रहेगा मेरे लिए क्योंकि ऊपर आने नहीं दे रहे, तो वो तो सरप्राइज ही रहेगा। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे जब केक कट करूंगी। तो गाइज, यहाँ पर हो रहा है डेकोरेशन और इन्होंने ना इस साल गैलरी में किया है। थोड़ा सा सब रात को सो जाते हैं और उसके बाद रात को मतलब अंधेरा हो जाने के बाद जो डेकोरेशन दिखता है ना, बहुत अच्छा दिखता है। मतलब गैलरी में ये सारी लाइटिंग और ये मतलब बलून्स वगैरह बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था इन्होंने, जो बहुत पसंद आया था। अपने मिलके बच्चे वगैरह थे तो सबने मिलके किया, तो जल्दी ही हो गया। मुझे ना हम लोगों ने खाना वगैरह खाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आप थोड़ी सी रेडी हो जाओ। मैंने इतना कुछ किया नहीं था, मतलब थोड़ी सी सिंपल सी रेडी हुई थी, तो बस ये यहाँ पर डेकोरेशन कर रहे हैं। और जब तक पूरा नहीं हुआ ना, तब तक मुझ पर आने ही नहीं दिया इन लोगों ने। जब हो गया पूरा तो फिर बोले कि ठीक है आ जाओ अब, क्योंकि मैं भी बोर हो रही थी यार नीचे। मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ क्या है क्या चल रहा है, तो बोले सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ गई थी मैं। और सब लोग फिर थोड़ा सा ही रह गया था इतना, और फिर चेयर्स वगैरह रखना वही रह गया था, तो बस इन्होंने वो रख दिया। और उसके बाद ये बीच वाला जो केक है इन्होंने लाया था, और जो साइड केक है वो श्रीकांत ने लाए थे, और उसको ना बड़ा केक मिला, बड़े की जगह उसने दो केक ला लिए। तीन केक ना रात को 12 बजे कट किए थे, मतलब 10 तारीख को रात को 12 बजे। और फिर उसके दूसरे दिन फिर अच्छे से रेडी होके दूसरे दिन फिर और केक कट किए, तो वो तो आप आगे देख ही लोगे। तो यहाँ पर डेकोरेशन चल रहा है केक का और सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और आपने वो देखा, ये जो है वो मेरी जिठानी की भी मतलब भैया की बेटी है बीच वाले इनके। और आप लोगों को उस दिन पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया, हम लोग सबसे छोटे हैं और मेरे दो जेठ हैं और बड़े, तो बीच वाले भैया की जो बेटी है वो है ये। ये बहुत बार आ चुकी है, इससे पहले भी आपने देखा होगा मेरे घर पे। तो चलिए, यहाँ पर डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है और आप देख लीजिए आगे डेकोरेशन कैसे किया है। तो बस इसके बाद अभी मैं अपना बर्थडे केक कट करूंगी। और हाँ, रात से ही मैसेज आना शुरू हो गए थे बहुत सारे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सारे मैसेज आ गए थे, तो उनके रिप्लाई भी उसके बाद करने पड़े।
और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर है उन्हें पता था कि मेरा बर्थडे है, तो उन्होंने रात को 12 बजे ही इंस्टा पे विश किया। बहुत अच्छा लगा कि आपको याद रहता है दी का बर्थडे है और आप ऐसी छोटी सी चीज़ें याद रखते हो मेरी और इतना प्यार देते हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू आपके लिए। उसके बाद फिर केक कट किया मैंने और फिर व्हाट्सएप के वगैरह मैसेज आना शुरू हो गए थे, तो उसके बाद मैंने वो उनके रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद ही फिर सब लोगों ने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया था। सब लोगों ने अपने अपने स्टेटस पे रखना शुरू कर दिया था फ़ोटोज़ वगैरह, तो इसी वजह से उनके रिप्लाई करने थे मुझे, वो किए। फिर मैं ना बहुत लेट सोई, फिर दूसरे दिन उठी तो सुबह से लेके शाम तक भी उसी में चला गया, मतलब सबके रिप्लाई करते करते, फ़ोन कॉल्स अटेंड करते करते, सब रिलेटिव के फ़ोन कॉल्स, घर वालों के, और मतलब सबके फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, फ्रेंड्स वगैरह के, तो उनके फ़ोन कॉल्स अटेंड करते करते पूरा दिन उसी में चला गया। और फिर शाम को दूसरे दिन केक कट किया, तो वो आप आगे देख ही लोगे। यहाँ पर ना केक कट करने वाली जो क्लिप है वो मिसिंग हो गई थी, तो वो मैं ऐड ही नहीं कर पाई यहाँ पर केक कट करने वाली जो क्लिप है। और बस केक कट हो जाने के बाद हम लोगों ने सब एक दूसरे को केक खिलाया, और यहाँ पर माही ने मेरे लिए बहुत दिन पहले से मतलब सब तैयारी करके रखी थी बर्थडे की, तो बहुत दिन पहले से ना माही ने मेरे लिए ये ग्रीटिंग कार्ड बना के रखा था। एक्चुअली मुझे पता था बट मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मुझे लगा कि वो सरप्राइज़ देने वाली है मुझे, तो इसी वजह से वो हमेशा ऐसे ही ग्रीटिंग कार्ड बनाती है मेरे लिए। तो वो ग्रीटिंग कार्ड दिया उसने, और अद्विक को तो कुछ पता नहीं था, अद्विक भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था वो देखने के लिए ये क्या है मम्मा, इसके अंदर क्या है। तो हाँ, इसी वजह से मैं उसको दिखा रही थी, तो बहुत अच्छा ग्रीटिंग कार्ड बनाया था उसने मेरे लिए, और वो बहुत दिल से बनाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें वो करती है मेरे लिए। तो और यहाँ पर बस दूसरे दिन का ये ब्रेकफास्ट है, मैंने ये बनाया था, सैंडविच बनाया था दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के लिए। और दूसरे दिन ना मतलब 11 को मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई ज़्यादा, क्योंकि मेरा टाइम पूरा उसी में ही चला गया, रिप्लाई करते करते और फ़ोन कॉल्स अटेंड करते करते, तो इसीलिए मैंने ये जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाया था, मतलब सैंडविच बनाए थे ये वाले ब्रेकफास्ट में, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे ये सैंडविच। बट मैं इसे भी शूट नहीं कर पाई, बट ये जो लास्ट वाला मैं ले रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसे शूट कर लेती हूँ, आपको भी पता चले कि मैंने क्या बनाया था ब्रेकफास्ट में। ये सैंडविच की रेसिपी तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, बट ये दिखा दिया मैंने कि ये ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था। और यहाँ पर मैंने उसके साथ लिया है टोमेटो केचप, और उसके बाद फिर शाम को डिनर बनाने लगे थे, तो इन्होंने बहुत हेल्प की डिनर बनाने में, मतलब आधा तो डिनर इन्होंने ही बनाया, सारी चॉपिंग वगैरह, और उसके बाद पनीर बनाया है, तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। तो ये है, यहाँ पर मैं राइस लगा रही थी एक्चुअली इस बार ना, आपको तो पता ही है मैं कैसे राइस बनाती हूँ, जीरा राइस, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट वे से बना रही थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था ज़्यादा, तो मैं कुकर में बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कुकर में कैसे बनता है राइस। तो यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं, तो पहले तेल डाल दिया उसमें, फिर जीरा डाल दिया, जीरा चटकने के बाद फिर उसमें जो सोख किए हुए होते हैं, मैंने राइस आधा घंटा पहले ही सोख करके रखे थे, तो वो डाल दिए, और उसके बाद पानी डाल दिया, पानी थोड़ा सा कम डालना है, ये बासमती राइस है इसी वजह से पानी फिर थोड़ा कम डालना है, सोख किए होते हैं ना हमें चावल, तो इसी वजह से पानी कम लगता है। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया और उसे अच्छे से घुमा लिया ताकि जीरा सब में लग जाए, और उसके बाद उसकी 1 से 2 विसल ले लेनी है, और बस बन जाएगी आपके जीरा राइस। तो मैंने सिर्फ राइस और रोटियां बनाई हैं, बाकी का तो उन्होंने बनाया था एक्चुअली, वो बोल रहे थे कि आप कुछ भी मत करो, बट उन्हें रोटियां वगैरह बनानी नहीं आती है, तो फिर मैंने ही बनाया था। तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी रेडी होने, और अब मिलती हूँ मैं आपसे रेडी होने के बाद डायरेक्टली। हे गाइस, शाम के बज रहे हैं 8:30 और मैं इस तरह से रेडी हो चुकी हूँ। ये वाली साड़ी पहनी है आज, ब्लू कलर की, एक्चुअली ये वाली साड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ब्लू कलर का ही ये चोकर पहना है और इयररिंग्स इसके साथ ही आया है, और ये बैंगल्स तो बहुत पुराने हैं एक्चुअली। ये जो साड़ी है वो जॉर्जेट की है, प्लेन साड़ी है, मैं फुल लुक आपको बाद में दिखा दूंगी, और कैसे लग रही है मुझे बताना जरूर। और हाँ, यहाँ पे बैठ जाती हूँ, आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिला है रेडी होने के लिए। क्या हुआ था कि सुबह से मैं एक्चुअली ये आने के बाद ही मुझे केक कट करना था, मतलब आज का, और फिर इसके बाद वो खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, मतलब सुबह ड्यूटी जाते हैं इसी वजह से। तो मैंने सोचा चलो शाम का टाइम है अपने पास, तो शाम को ही हम लोग केक कट करते हैं। तो ये बोले कि केक आज भी कट करना है, मैंने तो इनको बोला था कि कल 3 केक कट किए और आज मतलब ज़रूरत नहीं है आज केक कट करने की, तो आज सिर्फ हम लोग अच्छा सा डिनर करेंगे।
तो डिनर भी मतलब डिनर आधा मैंने बनाया है, मतलब इन्होंने सब्जी वगैरह बनाई है, पनीर की पनीर बनाया है, बहुत टेस्टी, मतलब बहुत अच्छी स्मेल आ रही है उसकी भी। तो मैं आपको खाना जो बनाया है आज, तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, बट आपसे बात करनी थी थोड़ी सी। आप लोगों ने इतने सारे और इतने प्यारे विश किए कि मतलब इस साल का बर्थडे आपने बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दिया मेरा। बहुत सारे विश आए और आप लोगों के इतने सारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा इस साल, और इतने सारे विश किए आप लोगों ने, थैंक यू सो मच उसके लिए। आपने मेरा जो बर्थडे है इस साल का बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दिया है आपके विश की वजह से। और हाँ, आज किसी के बर्थडे भी है तो मैं लास्ट में नाम ले लूँगी उनके, तो एनिवर्सरी और बर्थडे है, तो इस तरह से रेडी हुई हूँ और सिंपल से रेडी हुई हूँ। थोड़ा सा ये जो चोकर वगैरह पहना है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लग रहा है ऐसे लुक हेवी सा, तो मुझे भी नहीं रेडी होना था घर पे इतना ज्यादा, बट मैंने सोचा चलो लॉकडाउन में अगर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है घर पे ही कर रहा है, तो थोड़ा सा अच्छे से होके अगर करेंगे तो थोड़ी सी फीलिंग अच्छी सी आएगी, तो इसी वजह से अच्छे से रेडी हुई हूँ। और बाहर इन्होंने आज भी डेकोरेशन किया है, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। क्या बना है आज का जो डिनर बना है वो भी मैं आपको किचन में जाके दिखा देती हूँ क्या बनाया है आज, और फुल लुक भी दिखा देती हूँ आपको। अभी मैं मेरे बेडरूम में हूँ, तो चलिए बाहर चलते हैं, हॉल का जो डेकोरेशन है वो भी आपको दिखा देती हूँ, और सबसे पहले किचन में जो खाना बना है वो आपको दिखा देती हूँ। तो मैं ना जब तक रेडी हो रही थी, तो इन्होंने ये सारा कुछ रेडी करके रख दिया था, तो यहाँ पर रेडी हो गया है हमारा डिनर। तो रोटियां है, सलाद है, एक्चुअली इनको मैंने क्या बोलते हैं रायता बनाने के लिए, बट उन्होंने रायता ही नहीं बनाया यार, और फिर सलाद बना दिया था, और फिर ये शाही पनीर है, शाही पनीर का कलर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी भी बना था शाही पनीर भी। और उसके बाद ये जीरा राइस है, तो जीरा राइस आप देख सकते हो मतलब कुकर में भी खिले खिले से बने थे जीरा राइस, बहुत टेस्टी बना था आज का डिनर। और उसके बाद मैंने पापड़ वगैरह फ्राई किया था, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ गया था उसका डिनर का। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते, बट अभी तो सब कुछ घर पर ही करना पड़ रहा है, तो ये हमारा यम्मी वाला डिनर था। और बस उसके बाद ये डेकोरेशन आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारा डेकोरेशन किया था उन्होंने, ये डेकोरेशन उन्होंने श्रीकांत ने और बच्चों ने मिलके किया था, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था डेकोरेशन। और दोनों दिन का डेकोरेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप लोग। और उसके बाद फिर श्रद्धा भी दोपहर में केक लेके आई थी, तो फिर श्रद्धा का भी केक कट करना था, तो यहाँ पर फिर अभी ये हाँ दो केक है, ये जो व्हाइट केक है वो श्रद्धा लेके आई थी, और ये जो केक है वो श्रीकांत लेके आया था, तो ये दोनों मेरे भाई बहन लेके आए थे केक, तो मैंने यही केक कट किए, फिर इनको बोला कि आप मतलब क्योंकि रात को भी तीन केक कट किए थे और अभी ये दो केक और हो गए थे, तो वैसे पांच केक हो गए थे। तो आपको केक कौन सा ज़्यादा पसंद आया ये ज़रूर बताना, और वाइट केक का जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत टेस्टी लग रहा था, मतलब दोनों भी केक बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत टेस्टी थे, बट इससे ज़्यादा ना ये जो श्रद्धा ने लाया है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, मतलब उसका नाम मैं उससे पूछ लूँगी। तो ये वाला यहाँ पर अभी सब लोग बैठे हैं, अभी उसके बाद केक कट करेंगे। और अद्विक और माही सेम सेम हो गए थे रेड रेड, और हम दोनों सेम सेम हो गए थे ब्लू ब्लू। बस आज के जो केक है वो कट हो गए हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर अभी हम लोग सब एक दूसरे को केक खिलाएंगे। और हाँ, एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक्चुअली इंस्टा पे कमेंट की थी मुझे कि उनकी एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी। एक्चुअली उन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था, तो इसी वजह से ना मैं उनका मैसेज का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, और इसीलिए मैं इस ब्लॉग के एंड में उनको विश करना ही भूल गई थी, तो मैं अभी उन्हें विश कर देती हूँ। तो उनका नाम है दीपाली मालवाड़े एंड धीरज जी मालवाड़े, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, और आपके आगे की लाइफ एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से जाए, और आपको आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले डियर। तो बस यही आज के दिन आपके लिए गॉड से प्रे करूँगी, और बस यहाँ पर हम लोग सब एक दूसरे को केक खिला देंगे। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि जीजू ने आज के दिन मुझे गिफ्ट क्या दिया है, तो जीजू ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं इस साल, मतलब 1 लाख के गिफ्ट्स दिए हैं उन्होंने मुझे इस साल। और इन सारी चीज़ों के चक्कर में ना मैं भूल गई, मतलब वो मेरे हाथों में देना ही भूल गए वो सारे गिफ्ट्स, तो इसी वजह से मैं इस व्लॉग में तो इंक्लूड नहीं कर पाऊँगी कि क्या दिया है। अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ वो गिफ्ट्स ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइस, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है और अभी हम लोग खाना ही खाने वाले हैं, तो उससे पहले मैंने सोचा चलो व्लॉग को एंड कर देती हूँ, और जिन जिनके एनिवर्सरी एंड बर्थडे है उन्हें विश भी कर देती हूँ। तो सबसे पहला नाम मैं ले रही हूँ,
12 तारीख को है उनकी एनिवर्सरी, मतलब जिस दिन ये व्लॉग जाएगा तो पूजा भाटी की एनिवर्सरी है 12 तारीख को। तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर, और आपके लाइफ में आपको सारी खुशियां मिले और आप जो चाहो वो आपको मिल जाए। और आयशा नाइक का आज बर्थडे है, मीन्स 11th को, बट ये ब्लॉग कल जाएगा तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे डियर। और पराज पाटिल ने कमेंट की थी कि उनकी सिस्टर का बर्थडे है 11 जून को, मतलब आज के दिन, तो उनकी सिस्टर का नाम है तेजस्विनी। हैप्पी बर्थडे डियर तेजस्विनी, मतलब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे डियर तेजस्विनी। और निहारिका जोशी ने कमेंट की थी कि उनके मामा मामी की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उनका नाम है सूरज जी एंड सीमा जी। तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सूरज जी एंड सीमा जी, आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए और आप सभी को जो चाहे वो मिल जाए। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस चैनल के अलावा मेरे दो चैनल और है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उन दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा मराठी ब्लॉग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा। और उसके साथ आपको इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जाते जाते लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आता है तो।